नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं महक। जब देश में इमरजेंसी लगी तो लोगों के अंदर बहुत आक्रोश था। जी हाँ, जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टी इससे नाराज थी तो वहीं दूसरी तरफ जनता में भी इसका रोष भरा हुआ था, जिसके कारण देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में एक दिन के लिए जेल जाना पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। वो एक ऐसी महिला थी जिसने ना केवल भारतीय राजनीति बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी विलक्षण प्रभाव छोड़ा। इसी कारण उन्हें लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वे देश की पहली महिला हैं जो सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रही। उनकी गिनती देश के सबसे कुशल योग्य राजनेताओं में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला लीडर भी हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार की गई इंदिरा गांधी के साथ हुए इस व्यवहार को सबसे बड़ी राजनीति भूल कहा गया है। जी हाँ, आज ही के दिन कुछ साल पहले 3 अक्टूबर 1977 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उन पर चुनाव प्रचार के लिए जीप की खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप था। कहा गया है कि 1977 के लोकसभा चुनाव के दौरान रायबरेली में इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी। इनका भुगतान कांग्रेस के नहीं बल्कि उद्योगपतियों ने किया था। साथ ही सरकारी पैसे का भी इस्तेमाल किया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। दरअसल माना जाता है कि इमरजेंसी में जिस तरह इंदिरा गांधी ने विरोधियों को परेशान किया, उनसे कई नेता नाराज थे। वे चाहते थे कि जिस तरह उन्हें जेल भेजा गया, वैसा ही इंदिरा गांधी के साथ भी किया जाए। चरण सिंह तो इसके लिए अड़ ही गए थे, जबकि मोरारजी देसाई कोई भी गैर कानूनी कदम नहीं उठाना चाहते थे। तब 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और गिरफ्तार भी कर लिया। उन्हें बड़कल लेक गेस्ट हाउस में हिरासत में रखना था, लेकिन उन्हें किंग्सवे कैंप की पुलिस लाइन में बनी ऑफिसर्स मेस में रखा गया। 4 अक्टूबर की सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया तो सामने आया कि इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तब तकनीकी आधार पर उन्हें बरी कर दिया गया। जनता पार्टी की इस राजनीतिक भूल को ऑपरेशन ब्लंडर कहा जाता है। इंदिरा को इसका नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ। इमरजेंसी लगाने के कारण जनता में इंदिरा के खिलाफ गुस्सा था, लेकिन जनता सरकार के इस कदम की वजह से इंदिरा के खिलाफ गुस्सा सहानुभूति में बदलने लगा। इसका असर 1980 के चुनाव में दिखा, जब इंदिरा ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की। तो ये थी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक दिन के जेल जाने की पूरी कहानी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।